बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में। डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम आज देखेंगे कि यूजिंग सी शार्प फॉर्म हम डाटा इंसर्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर में, और यूजिंग सी शार्प फॉर्म हम डाटा रिट्रीव करेंगे एसक्यूएल से। इंसर्ट के बटन पर जब क्लिक होगा तो कंट्री का नेम और नेशनल लैंग्वेज डाटाबेस में इंसर्ट होगी, और जब व्यू के बटन पर क्लिक होगा तो डाटाबेस में से कंट्री नेम और नेशनल लैंग्वेज इस डाटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले होगी। अब स्टूडेंट्स, डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि हमारे पास डेटाबेस का होना ज़रूरी है। यानी सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास डेटाबेस जिसमें हम डाटा इंसर्ट या जिस डेटाबेस में इंसर्ट जो आप टेबल मेंशन करते हैं, जहाँ से आपने डाटा जिस टेबल में आपने इंसर्ट करना है, टेबल की जगह मैं आप ये कह देता हूँ कि आपकी कमांड जो आपकी क्यूरी होती है जो आप एसक्यूएल में मेंशन कर रहा था, उस क्यूरी को हम लिखते हैं इंसर्शन के लिए इंसर्ट की क्यूरी होगी, रिट्रीवल के लिए रिट्रीव की क्यूरी होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हम मज़ीद अगर आगे बात करें तो डेटाबेस में हमारे पास सी शार्प के थ्रू कनेक्टिविटी करने के लिए एसक्यूएल के साथ सी शार्प के थ्रू कनेक्टिविटी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो कुछ यूं हैं। पहली चीज़ हमें चाहिए होगी कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनेगी हम उसको देखते हैं। इसी तरीके से फिर हमें चाहिए होगा एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, एसक्यूएल कनेक्शन। फिर हमें चाहिए होगा एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट। तो हम ये देखते हैं कि इन तीन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम डाटा किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। यानी हमें क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, एसक्यूएल कनेक्शन और एसक्यूएल कमांड। सबसे पहली चीज़ हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट करेंगे जिस कंट्रीज के नाम से, जिसमें कंट्री नेम और नेशनल लैंग्वेज होगा जहाँ पर हमारा डाटा इंसर्ट हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपने गौर से देखनी है। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट ये आपके पास, जब मैंने सीक्वल सर्वर ओपन किया तो मेरे पास सर्वर नेम क्या आ रहा है, डेल आ रहा है। और ऑथेंटिकेशन कौन सी है, सीक्वल सर्वर है या विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है। जब मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन करूँगा तो मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि मैं एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के थ्रू कर रहा हूँ। तो मेरे पास लॉगिन क्या है, SA, और पासवर्ड मेरे पास ये है कुछ इसका। अब देखिएगा, मैं लॉगिन अगर मैं एसक्यूएल सर्वर के थ्रू लॉगिन करूँ या विंडोज, दो डिफरेंट वे ऑथेंटिकेशन के या लॉगिन करने के। तो मैं इसको, और अगर आप कंट्रोल्स की बात करें, ये सारे कॉम्बो बॉक्सेस लगे हुए हैं, आपको अपने कॉम्बो बॉक्स का कंट्रोल भी पड़ा होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो ये डेटाबेस के थ्रू डाटा सॉरी एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट हो गया। हमारे सर्वर का क्या नाम था, डेल। अब हम क्यूरी मेंशन करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट डाटा डेटाबेस, और उस डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं टेस्ट या कंट्रीज डीबी। तो हमने इसका नाम कंट्रीज डीबी रख दिया। अब हम इस डेटाबेस को यूज करेंगे, यूज कंट्रीज डीबी, और हम इसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल कंट्रीज, कंट्रीज, कंट्री का नेम, वारचार 100, उसके बाद हम कहते हैं लैंग्वेज। इसमें मज़ीद एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, पर हम सिर्फ इन दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गई। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस टेबल को देखूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्रीज, कुछ ही आपके पास डाटा, क्योंकि अभी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ से एसक्यूएल एंड से इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे। जब स्टूडेंट्स डाटा इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट होगा। जब हम कोई कमांड देखेंगे इंसर्शन के लिए, हमें जो क्यूरी चाहिए होगी वो इंसर्ट करने की होगी। तो हम इंसर्शन की क्यूरी से पहले सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग
कनेक्शन स्ट्रिंग होगी और उसमें कोई ना कोई वैल्यूज पड़ी होंगी। अब मैंने इसको एम्प्टी रखा हुआ है, मुझे नहीं पता है कनेक्शन स्ट्रिंग है क्या। फिर सेकंड स्टेप क्या, एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। एसक्यूएल अभी मेरे पास नहीं आ रहा, अभी आपको समझ आ जाएगी ये एसक्यूएल कनेक्शन कैसे आएगा। कनेक्शन का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अच्छा। तो स्टूडेंट्स अब ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास एक एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, अब हम देखते हैं इस एरर के आने की वजह क्या है। क्योंकि इसके लिए हमें एक नेम स्पेस चाहिए यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट के नाम से। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक नेम स्पेस क्रिएट कर देगा यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट वाली। तो यानी एसक्यूएल कनेक्शन के लिए हमें इस नेम स्पेस का होना ज़रूरी है। फिर सेकेंड चीज़ क्या थी कि हमारे पास इसके एक कंस्ट्रक्टर है जिस कंस्ट्रक्टर में मैं कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। तो मैं ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी मेरे पास इसको मैं पास कर दूंगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या, आप इस कनेक्शन को ओपन करना है, कनेक्शन डॉट ओपन। अब मैं इसमें ट्राई कैच अप्लाई कर दूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास ट्राई ब्लॉक कोई इशू आता है तो आप कैच एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाया इसका हमने। मैसेज चलेंगे ये हमारे पास कुछ अच्छा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, कनेक्शन ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम कनेक्शन ओपन करने के बाद एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कमांड इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब ये एसक्यूएल कमांड के कंस्ट्रक्टर एम्प्टी भी रख सकते हैं आप, और इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो आपसे रिसीव कर रहा है कमांड टेक्स्ट, या एक और कंस्ट्रक्टर है जो रिसीव कर रहा है कमांड टेक्स्ट। अब ये कमांड टेक्स्ट क्या है, ये आपकी क्यूरी है, और एसक्यूएल कनेक्शन क्या है जो आपने कनेक्शन बनाया। तो हम यहाँ पे क्यूरी मेंशन कर देते हैं कि ये हमारी क्यूरी होगी कॉमा ये जो कनेक्शन का है यहाँ पे। अब ये हम क्यूरी क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल्स टू व्हाट, हम देख लेते हैं इसको यहाँ पे। पहले मैं इंसर्शन की क्यूरी डेटाबेस में यहाँ पे लिखूंगा एसक्यूएल सर्वर में। अगर मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू कंट्रीज वैल्यूज, वैल्यूज के बाद मैं यहाँ पे सिंगल कोट में कोई वैल्यू दूंगा कॉमा, फिर सिंगल कोट में कोई वैल्यू दूंगा, तो ये आपके पास डाटा जो है इंसर्ट हो जाएगा जो भी मैं वैल्यूज दूंगा। ये इंसर्शन की क्यूरी है, तो इसी क्यूरी को मैं उठा के यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल कॉपी करके पेस्ट इंसर्ट इनटू कर, ताकि मेरे पास कोई प्रॉब्लम ना आए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स में से आनी चाहिए। इस टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू गेट करने के लिए क्या सिंटैक्स है, मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स लिखूँ तो उसको एज इट इज़ ले लेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करने के लिए आपने डबल कोटेशन देने, फिर प्लस का सिंबल देना है, अब आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं। सी नेम डॉट टेक्स्ट सिंगल कोट्स डबल कोटेशंस प्लस टीएक्सटी लैंग्वेज डॉट टेक्स्ट। अभी हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी लिखी गई। अब जब भी आपने डाटा इंसर्ट करना है हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शन होता है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का ये, और डाटा इंसर्ट कर लेने के बाद हम कनेक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हम देखते हैं कि आया ये फॉर्म जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो डाटा इंसर्ट होगा या नहीं होगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जरा, हम कंट्री का नेम दे रहे हैं, लेट्स से मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, और यहाँ मैं नेशनल लैंग्वेज दे रहा हूँ उर्दू। इंसर्ट करूँगा तो हम देखते हैं द कनेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज। अब ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंपल कनेक्शन स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ पे एम्प्टी रखी हुई है, तो हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टूल्स विजुअल स्टूडियो, मेरे पास टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स यहाँ पे आपको पास एक कनेक्ट टू डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा होगा। कनेक्ट टू डेटाबेस में हम गए, यहाँ पे आपने अपने एसक्यूएल सर्वर का नाम रखना है। अगर आपको याद हो मेरे एसक्यूएल सर्वर का नाम था डेल। अब यह ऑथेंटिकेशन कौन सी थी हमारे पास, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर किसी स्टूडेंट के पास विंडोज ऑथेंटिकेशन है तो वो उस मोड से ओपन होगा। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। यूजर नेम ये था और पासवर्ड ये था।
अब फिर आपके पास यहाँ पे डेटाबेसेस पॉपुलेट हो जाएंगी। हमारे पास कौन सी डेटाबेस थी? कंट्रीज़ की डेटाबेस थी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, टेस्ट कनेक्शन किया, कनेक्शन सक्सीड हो गया और मैं यहाँ पे एडवांस में चला गया और ये आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है। पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया कनेक्शन स्ट्रिंग को। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ मिसिंग आ रही है, डाटा सोर्स आपके पास बताया आपने कहाँ से आ रहा है, इनिशियल कैटलॉग क्या है, ये तीन चार चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन नहीं होगी विंडोज़ तो आप ये यूज़र आईडी इज इक्वल टू एस से नहीं लिखेंगे, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से अगर आप करेंगे तो ये चीज़ मैंशन नहीं करेंगे। एक चीज़ मिसिंग आ रही है, जैसे मैं क्या करूँ, पासवर्ड पासवर्ड था हमारे पास डेटा बेस में ये वाला। तो हम ये अब हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी एस्टेब्लिश हो चुकी है, हम इसको देखते हैं कि अब क्या ये इंसर्ट करेगा या नहीं। जी तो हमारे पास वही डाटा, हम देखते हैं पाकिस्तान, हम डेटाबेस को देखते हैं क्या यहाँ डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर अब मैं इसको रिट्रीव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा इंसर्टेड है। अब मैं एसक्यूएल एंड के ऊपर इस डाटा को व्यू करना चाहूँगा सी एसक्यूएल एंड पे, हो सकता है मेरे पास एक से ज़्यादा भी हो तो मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें से मुझे यूज़ हो रही होंगी। स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब आप इंसर्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा इंसर्शन या क्रिएशन करने के लिए। अच्छा अब कनेक्शन स्ट्रिंग आपके एस्टेब्लिश हो गए, एसक्यूएल कनेक्शन बना, स्ट्रिंग क्यूरी आपने लिखी। अब यहाँ मुझे डाटा जब रिट्रीव करना है तो मुझे ये वाली क्यूरी नहीं चाहिए होगी, मुझे सिर्फ डाटा रिट्रीव करने के लिए क्यूरी चाहिए होगी और वो क्यूरी क्या थी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कंट्रीज। अच्छा जी सीक्वल कमांड कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड क्यूरी कॉमा कनेक्शन, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी नहीं है फिर। अच्छा स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कंट्रीज किया, अब हम डाटा रिट्रीव करके लेकर आएंगे एसक्यूएल डाटा रीडर के अंदर इक्वल्स टू कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये इसमें डाटा ले आएगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे रो वाइज डाटा आएगा आपके पास, रो वाइज, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अब पहली रो रीड करने के लिए आपको str डॉट रीड का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब आपको पहली पहली रो व्यू हो जाएगी। दूसरी रो अगर आपके पास आ रही है तो फिर आपको str डॉट रीड लिखना पड़ेगा उससे पहले। अगर तीसरी रो है आपके पास फिर आपको दोबारा से str डॉट रीड लिखना पड़ेगा। मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें कितनी रोज हो सकती हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो आप के पास बेहतरीन चीज़ क्या है कि आप इस चीज़ को वाइल str डॉट रीड, यानी ये कब तक चलेगा, जब तक इसमें रो एग्जिस्ट होंगी। और इसमें मेरे पास एक आपके पास आता है इफ str डॉट हैज़ रोज का प्रॉपर्टी है, अब ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर उसमें रोज आ गई तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर रो मौजूद होगी तो हम इसमें लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और लूप एग्जीक्यूट करने के बाद हमने डाटा ग्रिड व्यू में जो फिर डाटा शो करना था तो डाटा ग्रिड व्यू का जो नाम था DGV कंट्रीज के नाम से था डॉट रोज डॉट एड। अच्छा अब str अब 0.2 स्ट्रिंग, अब जीरो पे आपके पास क्या चीज़ है, जो आपका पहला पहला कॉलम आएगा, क्या नाम है कॉलम का, नेम, जीरो पे आपका ये कॉलम है और वन पे आपके पास कौन सा कॉलम होगा, str ऑफ वन डॉट टू स्ट्रिंग। याद रखना स्टूडेंट्स ये कॉलम मैटर करता है इस क्यूरी के हिसाब से। अगर मैं इस सिलेक्ट स्टेरिक की जगह मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ नेशनल लैंग्वेज कॉमा नेम, अब जीरो इंडेक्स पे आपके पास क्या आ रहा होगा, नेशनल लैंग्वेज, वन इंडेक्स पे आपके पास क्या आ रहा होगा, नेम अपीयर हो रहा होगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। अब हमारे पास ये था और सबसे पहले जब, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप SDR डेटा सारा रीड कर चुके तो फिर आपने इस SDR को क्लोज करना है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंडिया व्यू जब मैंने किया पाकिस्तान और दोबारा व्यू करूंगा तो ये पहले वाला डाटा हमें क्लियर करना चाहिए था डाटा ग्रिड व्यू से,
तो डाटा ग्रिड व्यू से डाटा क्लियर करने के लिए हमारे पास एक अंग्रेजी भी कंट्रीज डॉट रोज डॉट क्लियर। आने वाले लेक्चर में हम अपडेशन के बारे में भी बात करेंगे।